यस इट इज़ पॉसिबल, हाँ ये बिल्कुल ही मुमकिन है कि मृत्यु के बाद भी आप अपने किसी और फॉर्म में जीवित हो सकते हैं, मींस आपके बच्चे पैदा हो सकते हैं, पर इसके जो राइट्स हैं वो सिर्फ आपके स्पाउस को होंगे, और इसको करने के लिए आपको अपने एम्ब्रियोज फ्रीज करोगे, अगर आपकी शादी हो रखी है तो आप अपने एम्ब्रियोज फ्रीज कर सकते हैं, एंड कुछ पेशेंट्स शादी के पहले या अगर हस्बैंड ने स्पर्म नहीं दिया हो उस वक्त तो वो अपने गैमेट्स भी फ्रीज़ किए होते हैं, जैसे स्पर्म फ्रीज़ किए होते हैं या एग फ्रीज़ किए होते हैं, उन केस में भी उसको फर्टिलाइज करके फिर बच्चे पैदा हो सकते हैं। इतने भी समय तक इसे लंबा फ्रीज़ करके रखा जा सकता है, स्पर्म हो या एग हो या एम्ब्रियो फ्रीज़ हो। अभी जो लेटेस्ट हमारे पास पेपर्स हैं वो बोलते हैं कि पुराने 25 to 30 ईयर्स स्पर्म्स भी यूज़ हुए हैं। फ्रीजिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ह्यूमंस के लिए एक बून की तरह आया है, क्रायो प्रिजर्वेशन उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन आपके स्पर्म के हो सकते हैं, ओसाइट्स के हो सकते हैं मींस अंडों के हो सकते हैं, एंड एम्ब्रियो के हो सकते हैं मींस भ्रूण के हो सकते हैं। इनको फ्रीज़ करने के लिए आप पूछोगे इंडिकेशन क्या है, मींस कौन फ्रीज़ करा सकता है। ये सबसे पहले ये जो साइंस स्टार्ट हुई है IVF के केस में स्टार्ट हुई, क्योंकि एक IVF साइकिल जब हम करते हैं पेशेंट का, अगर किसी भी वजह से हस्बैंड प्रेजेंट नहीं है तो उनके स्पर्म्स हम पहले से फ्रीज़ कर लेते हैं। एग भी हम फ्रीज़ कर लेते हैं अगर हस्बैंड का स्पर्म नहीं आया उस दिन एंड हस्बैंड अवेलेबल नहीं था, तो फिर धीरे धीरे एग फ्रीजिंग की कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुई। एग फ्रीजिंग हालांकि काफ़ी नया है, स्पर्म फ्रीजिंग काफ़ी साल से हो रही है, एंड देन एम्ब्रियो फ्रीज भी हम करते हैं जब IVF करते हैं, एक्स्ट्रा भ्रूण बनते हैं तो उन एम्ब्रियोज को हम क्रायो प्रिजर्व या फ्रीज़ कर लेते हैं। अब इस ये जो पद्धति थी इसकी फिर मूलतः इसको आगे चल के जो पेशेंट्स कैंसर के पेशेंट्स थे उनके लिए ये यूज़ किया गया, और ये उनके लिए काफ़ी हद तक एक बून है, एक ऑन्को फर्टिलिटी करके कॉन्सेप्ट हुआ जिसमें हम सारे कैंसर के पेशेंट्स का फ्रीज़ करते हैं, एंड कीमोथेरेपी लेने के पहले मींस जो कैंसर की प्रक्रिया शुरू होती है, इलाज शुरू होती है, वो बेसिकली टॉक्सिक होती है गैमेट्स के लिए, टॉक्सिक गैमेट्स को कर देते हैं तो आगे वो प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उन पेशेंट्स को कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी रिसीव करने के पहले उनके गैमेट्स हम फ्रीज़ कर लेते हैं। स्पर्म के केस में स्पर्म फ्रीज़ हो जाता है, एग के केस में एग फ्रीज़ करते हैं। एग फ्रीज़ करने के तरह तरह के वेज होते हैं। फर्स्ट ये होता है कि हम एग को स्टिमुलेट करें, मींस इंजेक्शंस लगाएं, इंजेक्शंस लगाने के बाद उनको हम नॉर्मल जैसे IVF करते हैं वैसे अंडे निकाल करके फ्रीज़ कर लें। दूसरा ये होता है अगर पेशेंट के पास टाइम नहीं है तो वो क्या करते हैं, तो हम लैप्रोस्कोपिकली ओवेरियन टिश्यू निकाल करके ओवेरियन टिश्यू की फ्रीजिंग कर सकते हैं। एंड तीसरी अगर तब भी टाइम नहीं होता है तो पेशेंट का हम ओवेरियन ओवरीज जो होता है उसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं, मींस उसके जगह से हटा के कहीं और कर देते हैं, जो कि पेशेंट को कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी का इफेक्ट नहीं हो ओवेरियन टिश्यू पे एंड पेशेंट आगे माँ बन सके। स्पर्म फ्रीजिंग के लिए सेम होता है, पेशेंट इजैक्युलेट करके स्पर्म देता है। अगर लड़के हों मीन्स छोटे बच्चे होते हैं वो नहीं दे पाते हैं तो उनके केस में हम लोग इलेक्ट्रो इजैक्युलेटर्स हैं वो यूज़ करते हैं एंड उनसे स्पर्म रिट्रीव करके उसको फ्रीज़ करते हैं। कुछ पेशेंट जो स्पर्म नहीं दे पाते हैं वो बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, कैंसर की डायग्नोसिस होती है या किसी और वजह से, उनके केस में जो टेस्टिकुलर टिश्यू होती है उनकी फ्रीजिंग करते हैं, टीजा टीजी करके हम टेस्टिकुलर टिश्यू निकाल करके उसकी फ्रीजिंग करती है। एंड एम्ब्रियोस तो हम बना करके जैसे IVF लैब होता है, एंड कुछ पेशेंट्स ओसाइट के लिए अगर तैयार नहीं होते हैं फ्रीजिंग के लिए तो उनके एग हम डोनर स्पर्म से मिक्स करके वो एम्ब्रियो बना के फ्रीज़ कर लेते हैं, और या फिर हस्बैंड के स्पर्म से मिक्स करके हम फ्रीज़ करके रख लेते हैं, जैसे भी पेशेंट्स की जो अनुमति होती है उसके अनुसार हम करते हैं। और इनके कानून बहुत सख्त होते हैं, इसलिए ये एक तरह से आप सोचो कि ये जो एम्ब्रियोज बनते हैं वो किसी के बच्चे होते हैं, तो उनको हम इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उनको हमें फ्रीज़ करके प्रॉपर कैंस में नंबर करके रखने होते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि वो मिक्सिंग होती है तो ऐसी कुछ भी मिक्सिंग नहीं होती है, वो बहुत ही पर्टिकुलर होती है, उनके सारे रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं एंड क्रायो कैन में नंबर करके स्पेसिफिक क्रायो कैंस में रखे होते हैं। जब आप वापस हमारे पास आते हो, बेशक कितने भी साल बाद वापस आते हो, तो वो आपके गैमेट्स आपको वैसे ही मिल जाएंगे और आप उसको यूज़ कर सकते हो, उसकी आप प्रयोग कर सकते हो आगे अपनी अपने आप को ग्रो करने, मींस आगे बच्चे पैदा करने के।